कि रूस ने छेड़ दिती है थर्ड वर्ल्ड वॉर। पुतिन ने यूक्रेन दे दो खेतरां नूं दिती मानता। यूक्रेन ते रूस विचाले युद्ध दा खतरा वध गया। इस नूं लैके भारत ने यूक्रेन विच फसे भारती विद्यार्थियों नूं रेस्क्यू करन लई ऑपरेशन शुरू किया। इस लई मंगलवार सवेरे 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट तो एयर इंडिया दा एक विशेष जहाज यूक्रेन की राजधानी कीव लई रवाना किया गया। इसकी समर्था 200 तो वध है। विदेश मंत्रालय के सहयोग नाल एयर इंडिया के अलावा होर देशों की उड़ाणा राही भी भारतीय विद्यार्थियों नूं वापस लियाउण लई विशेष उड़ाना निर्धारित कीतियां गईआं। रूस के राष्ट्र राष्ट्रपति पुतिन वालों राष्ट्र नूं संबोधन करते हुए यह कहा गया कि दोहां वी देशां विचाले तनाव वध सकदा है। उन्होंने ऐलान किया कि रूस पूर्वी यूक्रेन के दो वख-वख खेतरां की आजादी नूं मानता देवेगा। रूस डोनेटस्क अते लोंगास्क दे स्वै घोषित गणराजां नूं वखरे देशां वजों मानता देवेगा। रूसी राष्ट्रपति ने DPR दे मुखी डेनिस पुशिलिन अते LPR दे मुखी लियोनार्ड पासनिक नाल इक संधि ते दस्तखत कीते ने। पुतिन ने कहा कि हिंसा खून खराबा अराजकता दे राह ते चलण वाले डोनबास दे मुद्दे नूं मानता नहीं देणगे। पुतिन ने रूसी संसद मैंबरां नूं यूक्रेन दे बागी खेतरां नाल संधियां ते दस्तखत करन दी अपील कीती है तां जो उन्हां नूं मास्को दी फौजी सहायता मिल सके। इस दे नाल ही यूरोपी संघ ने यूक्रेन दे वक्खवादी इलाकियां नूं मानता देण दे रूस दे इस कदम नूं कौमांतरी कानून दी उल्लंघना वी करार दित्ता ते कहा कि उह इस विच शामल लोकां ते पाबंदियां लवेगा। इसने यूक्रेन की आजादी प्रभुसता ते खेतरी अखंडता लिए अपने समर्थन नूं दोहराया। जिक्रयोग है कि रूस ने यूक्रेन दीआं उत्तरी सरहदां नेड़े फौजी अभ्यास वधा दित्ता है। इसने यूक्रेन की उत्तरी सरहद नाल लगदे बेलारूस च लगभग 30,000 सैनिक तैनात किए ने। इस नाल ही यूक्रेन दीआं सरहदां ते 1,50,000 सैनिक जंगी जहाज अते होर साजो समान भी तैनात कर दिता गया। चढ़दी कला टाइम TV ब्यूरो रिपोर्ट।